राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आमतौर पर हमारे जीवन में सुबह की शुरुआत कैसे होती है, इस सवाल पर लोगों के अलग अलग जवाब होंगे, अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन सही मायनों में इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है और वो है टॉयलेट। जी हाँ, सुबह की शुरुआत टॉयलेट से ही होती है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो। हम सुबह अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर फिर जाकर अपने दूसरे कामों में लगते हैं और इसके लिए आमतौर पर हम खेतों या फिर सेरेमिक के बने टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी यूजफुल होता है। हर किसी के घर में ये सब मिल जाते हैं और जिनके घर में टॉयलेट्स ना हो वो खेतों में जाकर अपने आप को तसल्ली देते हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर आम लोग खेतों और ये सेरेमिक के टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोने का टॉयलेट सीट इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, 18 कैरेट गोल्ड का टॉयलेट सीट। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 18 कैरेट गोल्ड का टॉयलेट सीट। लेकिन ये बात सच है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुबह की शुरुआत 18 कैरेट गोल्ड के टॉयलेट सीट से करते हैं और ट्रंप के इस गोल्ड टॉयलेट सीट के पीछे एक बड़ी ही मजेदार कहानी है। दरअसल ये साल 2018 की जनवरी की बात है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुगेनहाइम म्यूजियम से वेन गोग पेंटिंग की फरमाइश की थी। उन्होंने कहा था कि वो व्हाइट हाउस में इस पेंटिंग को लगाना चाहते हैं, लेकिन म्यूजियम ने इस पेंटिंग को देने से इनकार कर दिया और कहा कि हम ये पेंटिंग आपको इस तरह से नहीं दे सकते हैं, इसे कुछ खास मौकों पर ही और सभी की मंजूरी के बाद ही बाहर लाया जाता है, लेकिन हम आपको इस पेंटिंग के बदले में 18 कैरेट गोल्ड से बना हुआ ठोस टॉयलेट दे सकते हैं। ये गोल्ड टॉयलेट काफी मूल्यवान और नाजुक है और हम आपको इसके देखभाल की जानकारियां दे सकते हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटिंग लेने से किया इनकार और ले लिया 18 कैरेट गोल्ड का टॉयलेट सीट। इसके अलावा इस गोल्ड टॉयलेट को लेकर ये भी कहा जाता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने व्हाइट हाउस में एंट्री लेने से पहले ये कहा था कि वो पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के यूज्ड कोई भी टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि सारे टॉयलेट सीट्स को गोल्डन टॉयलेट सीट से रिप्लेस कर दिया जाए। व्हाइट हाउस के स्टाफ मेंबर्स में से किसी एक शख्स ने बताया था कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एंटर करने से पहले ये कहा था कि ओबामा अश्वेत हैं और लॉजिकली देखा जाए तो वो ओबामा का यूज्ड कोई भी टॉयलेट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर वो टॉयलेट यूज करेंगे तो उन्हें एड्स जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन टॉयलेट सीट से जुड़ी ये खबर जानकर आपको कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।